हम तो ये कहते रहे हो रहा है सही है, सर्वे हो जाना चाहिए, मालूम हो जाएगा दूध का दूध पर पानी मालूम हो जाएगा, टीम से पता चल जाएगा कि सच क्या है, इस्लाम क्या करता है दुनिया में। उस सच का सामना एक भी मुसलमान पूरे देश में पूरे मौलवी है नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब राजनीति के पाखंडियों को छोड़ो, वैसी वैसी का मोदी आयोग का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वह एक पैगम्बर चाहे मसीहा चाहे देवदूत बन के भारत पर आए हैं कि भारत की संस्कृति कुचलने वाले तुमको ये सबक सिखा दिया जाएगा कि तुम्हारे पूर्वजों क्या क्या है। मेरा सुरेंद्र कुशवाहा नाम है। सर, जिस तरीके सर्वे चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं? सर्वे से तो हम सभी काशीवासी खुश हैं कि आज सर्वे हो रहा है, आज सर्वे से सच का उजागर हो जाएगा, आज सच बाबा भोलेनाथ का ही प्रांगण पूरी दुनिया में जाना जाता है, इतिहास है, पौराणिक ग्रंथ हैं और सारे तथ्य जो है आज ये साबित हो जाएगा कि औरंगजेब बाबर का जो कारनामा इस देश में आकर किए हैं वो सच उजागर हुआ। उनके अनुयायी उनके मानने वाला ये भी नहीं मानते हैं कि इससे 100 वर्ष पहले 500 वर्ष पहले हमारे जो पूर्वज थे हिंदू ही थे, हम विचारधाराओं को जो है साकार करके हम इस्लाम हो गए, लेकिन उनको मानना चाहिए कि सच्चाई तो सच है, हम इस देश के वासी हैं, पहले हिंदुस्तान के हम ही हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, वह सच्चाई से इनकार कर रहे हैं। इस तरह से यदि सच्चाई का इनकार है और धर्म को नहीं मानते हैं, चाहे लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, शासन यदि वो जो संविधान का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे इन लोगों को वंचित कर देना चाहिए जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, जो 8-10 दिन से जो तांडव मचाए थे, जहां पर नमाज पढ़ने जो नमाज नहीं पढ़ने आता है वो सुर झुकाकर जो है नमाज पढ़ने लगता है, ऐसी बातें नहीं हुआ। यहाँ तुम्हारे जैसे रोज जो है बाबा विश्वनाथ में लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं, हम यदि काशी को छोड़ दें हिंदू से तो पूरी गलियां भर जाएगी चौका घाट तक ले, कोई बाबा विश्वनाथ तक तुम नहीं आ पाओगे, तुम अपनी बात का नमाज पढ़ोगे, लेकिन हम मानवता का पाठ पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध यहीं से पूरी दुनिया को संदेश दिए हैं शांति का, अब भारत से शांति का संदेश पूरी दुनिया में गया है, आज वह उजागर हो जाएगा कि मानवता का संदेश भारत देता था, यह कर्मकारी हिंदू धर्म को जो है तलवार के बल पर असत्ता के शासन के बल पर कुचलता नहीं है, आज उनका यह उजागर हो जाएगा, सर्वे टीम से पता चल जाएगा कि सच क्या है, इस्लाम क्या करता है दुनिया में, अमानवीय कारण करता है, केवल कुरान को एक दिखा के आसमान की पुस्तक है कि नीचे की पुस्तक है, तमाम गीता भी उसी तरह का पुस्तक है, लेकिन उसको दिखाने से नहीं, उस सच का सामना एक भी मुसलमान पूरे देश में पूरे मौलवी है नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब राजनीति के पाखंडियों को छोड़ो, वैसी वैसी का उनका क्या है, उनको तो बोलेंगे तो पूरे देश में जान जाएंगे उनको कांग्रेस सीट मिली है इसी चुनाव में, योगी से क्या सामना करेंगे मोदी से का, मोदी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वह एक पैगंबर चाहे मसीहा चाहे देवदूत बन के भारत पर आए हैं कि भारत की संस्कृति कुचलने वाले तुमको ये सबक सिखा दिया जाएगा कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया है, उनके संतानों जो है आज स्वीकार नहीं करे हैं, अभी भी अक्रूर और अत्याचार पर आमादा है, लेकिन लोकतंत्र में संविधान है, संविधान का तुम मर्यादा नहीं करोगे, आज संविधान ने अपना पौरुष दिखा दिया है, हम सारे काशीवासी इससे हर्षित हैं, खुशी हैं, क्या सच्चाई सामने आ जाएगा। योगी जी यहीं पे हैं, आज कल भी यहीं पे थे, तो योगी जी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, वो तो अपनी सेना बनाए हुए हैं, इन आक्रमणकारियों को कहते हैं कि कुचल देंगे, आज क्यों नहीं पत्थर फेंक रहे हैं कश्मीर में, वो कांग्रेस की सरकार थी तो पैसे पर पत्थर फेंकते थे, 370 धारा हट गई, योगी जी 10-20 वर्ष सब रह गए ना, तो यहाँ से सब भाग भी जाएंगे, सब भाग जाएंगे, ऐसे ही कह रहे हैं कि मस्जिद थी है और ओबीसी का कोई पर्व ओबीसी का कोई प्रमाण नहीं है बोलने का, वैसे तो हम भी बोलते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा कोई बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती हुए कहीं भी दुनिया के किसी मजहब को तोड़कर वहां मंदिर नहीं बनाए है, तुम्हारे पास इसका प्रमाण है तो दिखाओ, हमारे पास तो प्रमाण है इतिहास जो पूरे विश्व का पढ़ाया जाता है, इंटर बीए में हमारे सारे बच्चे तुम्हारे भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन तुम मदरसों में मजहबी ज्ञान देते हो और 10 बच्चे पैदा करते हो तो कहते हैं कि हम पर बोली बोलते हैं, इस देश में गरीबी लाने का आप ही कारण है, इस देश के विकास में आप बाधक हैं, आप संविधान का संविधान करिए वरना काम नहीं होगा सही से। कह रहे हैं कि पहले मतलब कि ये बाबरी खो दिया, अब क्या ज्ञान व्यापी खोएंगे, उनको क्या क्या खोएंगे उनको अब समय बताएगा कि गिनते जाओ क्या क्या खोएंगे, ताज खोओगे जो है मथुरा खोओगे ईदगाह बनाने का, तमाम जगहों पर जो तुम्हारा कारनामा है उजागर होगा, तुम चुपचाप अब शांति से लगा जाओ, स्वीकार कर लो कि सच्चाई के साथ हैं, तभी तुम्हारी नमाज अदा की जाएगी किसी मस्जिद में, या ज्ञान व्यापी का किसी मस्जिद में तभी नमाज अदा, जब सच का सामना करेंगे तब। आपको लगता है क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद हो सकती कुछ शब्द है क्या? जी नहीं, क्योंकि इतिहास में जो तथ्य आ रहा है उसे उन आकृतियों का तथ्य उजागर हो रहा है, इसे साबित होता है, कोई शासक इसका सामना करने को तैयार, क्योंकि सत्ता की कुर्सी चाह रही थी, देश की संस्कृति मिट जाए, 70 साल जो है सोनिया गांधी एक के परिवार किया, उससे इसे मतलब है, उसे वोट से मतलब है, लेकिन अब जब सच उजागर हो रहा है उसका वोट खिसक जा रहा है तब बोलने को भी तैयार नहीं है, अब ये लोग बोल के क्या करेंगे, ये लोग बोल कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं तुरंत रोक लगा देना चाहिए वीडियोग्राफी पे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल, वो कुछ ना
मतलब लोकतंत्र में जो है कोर्ट स्वतंत्र है, किसी राजनीतिक दबाव में नहीं है, जनता के दबाव, वह निष्पक्ष फैसला खाती के उसको अधिकार दिया गया, वह निष्पक्ष फैसला करते, इसी तरह संविधान में हम उसको तो बवाल उठाने से कुछ नहीं, हम तब इसी तरह बवाल उठाएंगे तो हर केस में बवाल लोग उठाएंगे, तब तक कोर्ट का मतलब क्या रह जाएगा, कोर्ट का कोई मतलब तो नहीं रह जाएगा कुछ। नित्यानंद क्या बात लग रहा है कि क्या निकल जाएगा? एकदम निकल के आएगा, जो हिंदू पक्ष का दावा है, जो हम लोग भी बचपन में नेकेट आई से देखते रहे हैं, जो जब तक खाने के ताले बंद नहीं थे 92 से पहले, उस जगह पे फ्रिक्वेंटली लोग जाते थे, उस जगह पे नीचे तहखाने में मूर्तियाँ थीं, तमाम हिंदू धर्मों के ध्वंसावशेष, जो स्वास्तिक की खंडित मूर्तियाँ और तमाम चीज़ें उन जगहों पर थी, और इस बात के हम लोगों ने खुद अपने बचपन में जो हम लोग रिकॉल कर पा रहे हैं अपने मेमोरी में, उस जगह पर थी, और अब वो जो है जुडिशियल फाइल पे या जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट में आएगी, जिससे उसको हिंदू पक्ष को अपना दावा साबित करने में पूरी पूरी मदद मिलेगी, ऐसा हम लोगों को पूरा अनुमान है। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि वहाँ से मूर्ति वगैरह निकलेंगी? निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि हम लोग तो नेकेट भाई प्रत्यक्षम के मतलब सामने दिख रहा है कि हिंदू धर्म ध्वंसा स्पेस पे वो चीज़, वो जो ध्वंसा स्पेस पे बनी हुई है जो चीज़ें, वो प्रमाणिक है कि औरंगजेब ने जो है उस विश्वनाथ मंदिर को 1669 में ध्वंस किया था, उसके फौजदार खिजर खान ने ध्वंस किया था, ये तो वाराणसी गजेटियर में लिखा हुआ है, प्रमाणित है, तो इसमें तो कुछ अब साबित ये होना है कि वो कैसे हिंदुओं को वापस मिले, जो औरंगजेब ने ऐतिहासिक गलती की है उसको कैसे सुधारा जाए। वो ऐसे ही कह रहे हैं कि मस्जिद है, मस्जिद थी, देखिए मस्जिद का स्वरूप तो है ही है, औरंगजेब ने यही तो बात है, अब तो यही साबित होना है और कोर्ट में मामला है तो तय हो जाएगा। सर आप वकील हैं, मतलब अच्छे से समझा पाएंगे अब मामले को, दूसरा पक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का प्रयास कर रहा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। नहीं दिया तो क्या लग रहा है अब कानूनी दांव पेच में फंसाने का? नहीं नहीं, वो तो फंसाने का पे, लेकिन कोर्ट अटेंटिव है, एकदम अलर्ट, कोर्ट जो है इसमें प्रॉम्प्ट है, और जिस ढंग से हेरी होंगे जल्दी इसमें न्याय आएगा। क्यों लगता है दूसरा पक्ष क्यों फंसाना चाह रहा है? वो भाई उनको, चूंकि उनका एक सो कॉल्ड जो मॉस्क है वहाँ पे, जो मस्जिद है, वो अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो हिंदुओं को जो उनकी चीज़ है वो देना नहीं चाहते हैं, इस बदनीति है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। कब्जे की है क्या अभी इस समय भाई? कब्जा तो जो मस्जिद का जो स्वरूप है, जो हिंदू ध्वंसावशेषों पे बना हुआ है, उन्हीं का है, ये तो बात सही, प्रथम तल पे उनकी नमाज अदा होती है, उसी का तो दावा है कि वो पूरा प्रीमाइसेज मुक्तेश्वर क्षेत्र है और वो बाबा विश्वनाथ का क्षेत्र है, उसको खाली करें, वो जाएं यहाँ से। वो ऐसे ही कह रहे हैं कि मतलब एक बाबरी दे दी, अब थोड़ी ये ज्ञान व्यापी थोड़ी दे देंगे आपको कोई? वो कह रहे हैं ना, न्यायालय दिलाएगा ना, हम तो न्यायालय, हम तो कोई जबरदस्ती कर रहे हैं, हम तो जुडिशियल प्रोसेस को अडॉप्ट किए हुए हैं, हम वहाँ कोई ध्वंसा वो जबरदस्ती तो कर नहीं रहे, न्यायालय से कह रहे हैं कि भैया हमारी चीज़ दिलाओ, कोर्ट यदि पाएगी तो देगी हमको। कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहा है वो ऐसी, तो मतलब क्या कोर्ट भी कोर्ट को सवाल उठाना, तब कोर्ट तो कंटेम्प्ट, यदि कोर्ट पे कोई सवाल उठाएगा, उसके आदेश पे कोई सवाल उठाएगा तो लायबल टू कंटेम्प्ट होगा। मतलब कि कोर्ट के ऊपर अगर सवाल उठा रहे हैं तो क्या संविधान? नहीं नहीं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, तो कोर्ट की अवमानना का कुछ केस बन सकता है? अब कोर्ट चलाए, ये कोर्ट के डिस्क्रिमिनेशन पे कि मस्जिद है। कब से आप पूजा वहाँ पे आते हैं? अरे भैया मंजिल मस्जिद तो है ही है, जो है बस अपना देख सर्वे करे दिए, आपको मालूम होगा इसमें क्या है क्या नहीं है, खुद ही मालूम हो जाएगा। आप नमाज पढ़ने का भी आए हैं यहाँ पे? हाँ, नमाज क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, नहीं यहाँ पे आए हैं। हाँ, उसमें कुछ है नहीं, खाली फर्जी का सर्वे हो रहा, होने दीजिए बस, जो होगा तो मेरे खुद ही मालूम हो जाएगा। तो लग रहा है वहाँ पे मतलब कितने समय से आप नमाज वहाँ पे पढ़ रहे हैं? अरे मैं तो 40 साल से पढ़ चुका हूँ उसी पे, ज्ञान व्यापी पे। तब क्या बात है, वहाँ पे क्या आपको दिखाई दिया अभी तक जब जाते हैं वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए? अरे नमाज पढ़े जाते आओ, क्या हो जाएगा उसमें, जो है बस वही देखते आओगा। क्या दिखाई दिया वहाँ पे, क्या अंदर है? अब अंदर मस्जिद है या क्या है, कुछ नहीं है इसमें। कितनी पुरानी की बात, नीचे का सर्वे हो रहा है, नीचे का सर्वे हो जाना चाहिए, हो जाएगा, आपको खुद ही मालूम हो जाएगी क्या क्या था क्या नहीं था। कितनी पुरानी मस्जिद है? हो गया बहुत पुरानी, अंग्रेज के टाइम का पुराना। अंग्रेज के टाइम किसने बनवाई थी ये तो नहीं मालूम, क्यों बनवाया भाई सब इतने जानते हैं, अंग्रेज के टाइम का बना। औरंगजेब ने बनवाए थे क्या? औरंगजेब के वहाँ हो सकता है, औरंगजेब के समय अंग्रेज से। तो उससे पहले का मंदिर है वहाँ पे बोला जा रहा है? अरे जो है पहले था कि नहीं था ये तो हमको तो नहीं मालूम, हम क्या बताएंगे, जो पहले के लोग हैं वो लोग के मालूम, हमके क्या मालूम है। लेकिन मस्जिद अभी बना हुआ है औरंगजेब के समय का? वो बना हुआ है, अब उसके आगे अब जो है पुरानियाँ जो है वो बता सके, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप तो 40 सालों से रह रहे हैं तो बताते होंगे यहाँ के लोग कि पहले यहाँ पे मंदिर था? हाँ हो रहा होगा भैया, हम कैसे बता सकते हैं, हम देखे थोड़े गए कि मस्जिद था, कब उसके मंदिर था। हाँ। अब वो जाने के क्या मेरे वो उधर के लोग, लेकिन वीडियोग्राफी हो रही तो ठीक है ना? हाँ
हम तो ये कहते रहे हो रहा है सही है, सर्वे हो जाना चाहिए, मालूम हो जाएगा दूध का दूध पर पानी मालूम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सर्वे ना होने दिया, तुरंत रोक लगा दे। नहीं, हम तो वह शुरू से ये बात कह रहे हैं, दिमाग हम लोग का गुस्सा सर्वे हो जाना चाहिए और उन्हें बेहतर है, आप पब्लिक के लिए अच्छी नहीं बात है, जो हो जाएगा तो बेस मालूम हो जाएगा। आप लोगों की कम्युनिटी के एक नेता हैं असदुद्दीन अवैसी, वो आप लोगों को भड़काते हैं, कह रहे हैं उसकी बात मत करिए, फालतू है वो, फालतू आदमी की बात नहीं करते हम। तो क्या वो आप लोगों को भड़का के राजनीति करते हैं क्या, मतलब कहते हैं कि ये मस्जिद की बातें नहीं रखते हैं? कहा समझ, वो आदमी कोई काम का आदमी नहीं है, खाली जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के चक्कर में रहता है वो कोई बात। ऐसे लोग हिंदू मुस्लिम मान को लड़ाते हैं, बस उसको लड़ाने का काम है, लड़ेंगे तभी उनको सीट मिलेगा, नहीं मिलेगा सीट। तो वो सिर्फ आप लोगों को एक तरीके से हिंदू मुसलमान करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, बस 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 वही बात है। लेकिन आप लोग उनके बहकावे पे नहीं आएंगे? जो अपने हिंदुस्तान है, जो काशी गए हम उनके जानी थे, हम आओ कोई के नहीं जानते हैं। कोर्ट पे भरोसा है? बस कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट जो करेगा सब सही करेगा। वो तो कह रहा है मस्जिद थी, है और रहेगी, जो रहे अभी जो कोर्ट बताएगा हम लोग कुछ बताएंगे। कह रहे हैं कि हमने एक बाबरी खो दी, अब ये ज्ञान व्यापी थोड़ी खोएंगे। अरे देखिए, दुनिया में कहता है यार लोग, कोई नई बात है क्या, सब लोग कहता है ये बात, तब उसे क्या करें हम। लेकिन कोर्ट का निर्णय, अरे कोर्ट के वहाँ जब कोर्ट होगा तब खुद ही बता देंगे कि है कि नहीं, अब शाम तक आपको मालूम हो जाएगा ना। सर्वे होना चाहिए ना? जी हाँ जी।